हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आज हम लोग एडिट करने वाले हैं छठ पूजा का स्टेटर वीडियो। कैसे एडिट किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एडिट करके बताने वाला हूं। दोस्तों आप बना रहिए इस वीडियो में। आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के जरूर ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका अपने मोबाइल के यहाँ पे होम स्क्रीन पर, देख सकते हैं वी एन ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे। वी एन ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट पर जाइएगा, एक इमेज को डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से जो लगाना चाहते हो वहाँ से इमेज लगा के आप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं वो इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लेके आ गए दोस्तों वो इमेज के। इसका टाइम लेंथ को हम बड़ा कर देंगे, लगभग 15-20 सेकेंड कर दे रहे हैं दोस्तों। 21 सेकेंड हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक अपना फ़ोटो यहाँ पे ऐड करेंगे। PNG बना लीजिएगा अपना फ़ोटो का, कोई सा फ़ोटो आपका होगा जो अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से। देख सकते हैं दोस्तों मैं PNG बना के पहले से रखा हूँ फ़ोटो को, यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसका टाइम लेंथ को हम बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा बैग इसका किए हैं लेंथ उतना बड़ा इसको फोटो को भी कर लेंगे। फ़ोटो को करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक वाइट कलर का बैकग्राउंड डाउनलोडिंग इमेज कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। चलिए वो इमेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं वो इमेज को मैं यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे कर देंगे उसको, यहाँ पे करने के बाद नीचे में स्कोर करके इसको भगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा एक मार्क्स का ऑप्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स का ऑप्शन है। मार्क्स पे आप जाइएगा, पहले वाला लेयर पे ये वाला को आप दो बार टच करिएगा, एक बार टच कर दीजिएगा, दो बार बोल रहे हैं, एक बार टच करिए। जो ये तीर दिख रहे हैं ना, इसे फीदर बढ़ेगा, इसे थोड़ा सा फीदर यहाँ पर कर दीजिएगा। यह फीदर कर देने के बाद ओके कर देना है। इसका टाइम लेयर को बढ़ा के जितना बड़ा नीचे का वीडियो फोटो का इमेज किए उतने बड़ा इसको भी कर देना है, दोनों को बढ़ाकर। चलिए दोस्तों मैं बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे सॉन्ग लगाने का बारी है, तो सॉन्ग लगाने के लिए उसका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजी ही डाउनलोडिंग कर सकते हैं उस सॉन्ग को। पवन सिंह का सॉन्ग है, यहाँ से ऐड करेंगे, प्लस वाला पे क्लिक करिएगा। दोस्तों मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ये देख लीजिए प्लस वाला आइकन पे, ये प्लस पे जाइएगा, यहाँ वीडियो फाइल में जाके वो सॉन्ग को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। मैं पहले से इस सॉन्ग को बना के रखा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉन्ग आ गया। उसके बाद इसको मैं यहाँ इसको इतना बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग लिखा हुआ है। ब्लेंडिंग पे आप जाइएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देख सकते हैं मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर दिए तो वो सब ऊपर का था वाइट वाला वो सब हट गया, यहाँ पर ये सॉन्ग सेट हो गया। देख लीजिए सॉन्ग कैसे यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सॉन्ग के और थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, यहाँ पे हम लगा दिए इसको, यहाँ पे लग गया। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखे थे छठ पूजा हमें लिखे थे, वो छठ पूजा आप भी लिख के लगा सकते हैं। मैं पहले से लिख के रखा हूँ एक PNG फोटो बनाकर, उसको जाएंगे फिर प्लस वाला पे, यहाँ पर जाके वो फोटो छठ पूजा वाला मैं यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों। चलिए छठ पूजा वाला ये है मेरा, इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, तो इतना अच्छा हो गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, जो अपना वाला फोटो है थोड़ा सा और साइड में इसको करना होगा, पहले अपना वाला फ़ोटो पर टच करके थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, बड़ा करके तब अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसको कर लिए इतना बड़ा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे में मेरा वीडियो में जो नाम देख रहे थे नीचे में मेरा नाम लिखा हुआ था वो कैसे मैं लिखे हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक फंड का यदि का ऑप्शन दिया हुआ है टैक्स का, ये वाला प्लस वाला,
टेक्स्ट पे जाइएगा, जो आपका नाम होगा वो अपना नाम लिख सकते हैं। ऐड पर जाके यहाँ पे अपना नाम मैं लिखता हूँ अपना चैनल का, अखिलेश भाई एडिटिंग, AKHIL अखिलेश भाई एडिटिंग मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फंड में जाएंगे, यहाँ पे मैं इस ए वाला फंड को लगाए थे। उसके बाद यहाँ से कलर मैं ब्लैक रखेंगे दोस्तों, ब्लैक कर दिए। ब्लैक करने के बाद इसको मैं नीचे में लेके आएंगे थोड़ा छोटा करके, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेंगे। ऐड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, सबको टाइम लेंथ को बड़ा बड़ा करके यहाँ तक लास्ट तक ले कर देना है दोस्तों। इसको भी जितना छठ पूजा वाला लिखे तो इसको भी बड़ा कर देना है। जो हमारे वीडियो में आप देखिए बैकग्राउंड में जो ये फोटो था जूम आउट हो रहा था, अभी मैं थोड़ा चला के आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसा लग रहा है वीडियो। इसका आवाज़ बंद है, मैं इसका आवाज़ चालू करके मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस पर क्लिक किए मैं, उसके बाद इसमें सॉन्ग है और सॉन्ग यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं, देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सूरज भगवान का बैकग्राउंड था वो जूम आउट हो रहा था, उसको मैं कैसे किए थे आप बना रहिए इस वीडियो में, मैं ये भी बताऊंगा आपको। आप PNG फोटो वाला पर क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं की फ्रेम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। की फ्रेम पर एक बार क्लिक करिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों, इतना पर बढ़ जाइएगा, उसके दोनों फिंगर से इसको ऐसे जूम करिएगा, जूम करके थोड़ा ऊपर ऐसे उठा दीजिएगा, फिर थोड़ा आगे ऐसे बढ़ जाइएगा दोस्तों। उसके बाद इसको भी ऐसे फिर पीछे में कर दीजिएगा, फिर ऐसे ही सेम आपको प्रोसेस करना है, आपको वीडियो ये बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं आपका ऐसा हो गया, मेरा वीडियो बन के तैयार हो गया। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है एक तीर वाला ऑप्शन, ये वाला देख सकते हैं हरा वाला, इस पर आप क्लिक करिएगा। आपका यहाँ से जितना MBPS में हाई क्वालिटी में सेव करना है टिक पर क्लिक करिएगा, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के जरूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।